नित्यम ने किया सावी के साथ कपल डांस, सावी को हुआ यामिनी पर शक। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल सावी की सवारी की। आज के एपिसोड में हमने देखा देविका डिम्पी से गिफ्ट बनवा रही होती है, वहीं सावी वेदिका को सफाई देने आती है। वेदिका सावी पर चिल्ला देती है। सावी सबूत के साथ अपने निर्दोष होने की बात को साबित करने की कोशिश करने की बात कहती है। वहीं रत्ना से ब्रजेश सवाल पूछ रहा होता है। रत्ना बाथरूम में चूहा होने का झूठ भी कह देती है। वहीं रत्ना कृष्णा की धुलाई करती हुई नजर आती है। सोनम को डिम्पी वेदिका के सावी से नाराज होने की बात बताती है, जिसे सुनकर सोनम खुश हो जाती है। सोनम डिम्पी को नित्यम के इम्प्रेस होने की बात भी बता रही होती है। डिम्पी सावी को नित्यम के करीब लाने की बात भी सोनम से कहती है। वहीं सोनम डिम्पी को झूठ कह देती है। रत्ना कृष्णा का कुछ करने की बात सोनम से कहती है, जिसके बाद सोनम अपना फुल प्रूफ प्लान रत्ना को सुनाती है। सोनम और रत्ना कृष्णा से पेपर साइन कराने की कोशिश करते हैं, पर वो पेपर्स पर साइन नहीं करता। ताश्वी यूटी और दादू को डांस स्टेप सिखा रही होती है। वहीं सावी दादू को आइडिया देती है। ताश्वी हेमू के साथ डांस करने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में ताश्वी हेमू के साथ डांस करके दादू और यूटी को सिखाती है। ट्रैक में आगे हमने देखा कि डिम्पी सावी और नित्यम को भी कपल डांस करने को कहती है। डिम्पी र्यूमर्स को बंद करने की बात भी कह रही होती है। वहीं सावी डांस करने के लिए इनकार करती है, लेकिन नित्यम मान जाता है। वहीं कोई प्रॉब्लम ना होने की बात कहता है। सावी के साथ नित्यम कपल डांस की प्रैक्टिस करता हुआ भी नजर आता है। यूटी ये सब देख कर गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। सभी घर वाले एक एक करके अपने कमरे में जा रहे होते हैं। नित्यम अपने खुश होने की बात कहता है। वहीं नित्यम अलग होने का जश्न मनाने की बात भी सावी से कर रहा होता है। ताश्वी सावी से हेमू के साथ आज के बाद डांस ना करवाने की बात कहती है। वहीं ताश्वी हेमू के उससे नफरत करने की बात सावी को बताती है। ताश्वी सावी की बात सुनकर काफी खुश भी हो जाती है। वहीं डिम्पी नित्यम की शादी का जनाजा निकालने की बात कह रही होती है। हेमू अपना और ताश्वी का वीडियो देख कर इमोशनल हो जाता है, लेकिन डिम्पी उसके भी कान भर देती है। हेमू डिम्पी की झूठी तारीफ करता हुआ भी नजर आता है। वही ताश्वी हेमू और डिम्पी की बात सुनकर उदास हो जाती है। सावी यामिनी से बात करने उसके ऑफिस में जाती है। वही सावी यामिनी से गाड़ी के बारे में सवाल करती है। सावी डायमंड रिंग और गाड़ी के बारे में सवाल भी पूछ रही होती है, जिसके बाद यामिनी खुद ही अपनी रिश्वत लेने की बात को कबूल कर लेती है। सावी रिश्वत के बारे में यामिनी से पूछताछ करती है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि सावी को पता चल जाएगी ये सारा प्लान डिम्पी के होने की सच्चाई। क्या यामिनी कबूल करेगी अपना गुना? आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।